एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा काउंटर टॉप का न्यू लुक। मैं यूज़ कर रही हूँ एडहेसिव पेपर एंड अ कॉन्टेक्ट पेपर। कुछ लोग एडहेसिव पेपर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट पेपर, कुछ लोग बोलते हैं मैजिक कवर। तो मैं ये काउंटर टॉप मैं आज थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। सो राइट नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पर आप देख लीजिए काउंटर टॉप कितना ख़राब है। ये देखिए, यहाँ से कलर निकल चुका है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर भी किस तरह का कलर हो चुका है। यहाँ पर भी देखिए, ये फिर ये देखिए, यहाँ पर ये इस तरह के चॉपिंग के कुछ कट्स वगैरह है यहाँ पर। एंड देन यहाँ पर भी देखिए, ये इस तरह के कट्स है जिसकी वजह से मैं इतना ख़राब दिख रहा है। ये सारा ये पूरा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम 5 साल पहले यहाँ पर आए थे तो काउंटर टॉप, वैसे भी जो पहले लोग रहते थे यहाँ पर, उन लोगों ने काउंटर टॉप पे ही थोड़ा सा चॉपिंग वगैरह कर दिया था, तो उसके सारे मार्क वगैरह है। तो हमेशा सोचते थे कि कुछ करूँ काउंटर टॉप का। और हम लोग यहाँ पर 5 सालों से रह रहे हैं लेकिन परमानेंट नहीं है यहाँ पर। तो फिर अगर अपना घर हो तो हम कुछ नया भी अंदर लगा सकते हैं, या कुछ मार्बल टाइप का कुछ पत्थर वत्थर लगा सकते हैं। बट हम अगर हमें पता ही है कि हमें ये घर छोड़कर कहीं और जाना है, दूसरे घर में जाना है, तो फिर इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। जो कुछ भी बजट में हो सके उतना मैंने सोचा करने के लिए। तो इसीलिए आज मैं काउंटर टॉप को थोड़ा सा नया लुक दे रही हूँ विथ सम कॉन्टेक्ट पेपर। तो जैसा कि मैंने पहले एक कॉन्टेक्ट पेपर वाला वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था, जो मैंने ये जो कैबिनेट हुड है वहाँ पर भी मैंने कॉन्टेक्ट पेपर ही अप्लाई किया था। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कैबिनेट हुड, तो उसका कलर भी पूरा निकल गया था। और जब भी हम कुछ खाना बनाते हैं ऑयली फूड, तो हमेशा ऑयल जो है वो हमेशा कैबिनेट हुड पर स्टिक हो जाता था, जिसकी वजह से उसका जो वाइट कलर है वही सारा निकल गया था। तो फिर मैंने उसको कैबिनेट हुड को इसी तरह से कॉन्टेक्ट पेपर की मदद से कवर कर दिया। और अभी लगभग इसके 5 महीने हो चुके हैं और अभी तक ये जैसा का वैसा ही है। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए फिर काउंटर टॉप को भी इसी तरह से किया जाए, एक नया लुक दिया जाए। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इट्स अ फ्री चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर भी ज़रूर बताइए कि ये आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले काउंटर टॉप पर जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम हटा देंगे वहाँ से। जो जो सामान मैंने रखा हुआ है वो सारी चीज़ों को हटा देंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑल पर्पस क्लीनर, और उसी से ही मैं पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दूँगी। काउंटर टॉप को पहले अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा जो एडहेसिव पेपर है वो उसके ऊपर स्टिक होगा, नहीं तो वो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए। देन उसके बाद हम एडहेसिव पेपर अप्लाई करेंगे। तो कॉन्टेक्ट पेपर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो ये है कटर,
उसके बाद ये कॉन्टेक्ट पेपर है, कॉन्टेक्ट पेपर का जो प्रिंट है आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, सीजर, एंड ये है क्रेडिट कार्ड। तो कॉन्टेक्ट पेपर मैंने लिया है जो मेरे आइलैंड को सूट करे उस तरह का कॉन्टेक्ट पेपर मैंने लिया है, और ये बिल्कुल उतना कॉस्टली नहीं है, ये $3 में आ जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट पेपर मैंने वॉलमार्ट में से ख़रीदा है, आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाकर ख़रीद सकते हैं, या फिर मॉल में जाकर भी, किसी भी, मतलब अगर आपके आसपास कोई ऐसा शॉप हो तो आप बिल्कुल वहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये लोज में भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम पेपर को अच्छे से पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे कि कितना पेपर हमें चाहिए, उस हिसाब से हम एक बार मेजरमेंट कर लेंगे। आप चाहे तो स्केल से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उस हिसाब से हम सीज़र की मदद से उसे कट कर लेंगे। We'll be right back.
आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. बाय एवरीवन.